वरिष्ठ विधायक वोरा ने कुलपति से मांग कर प्रशासन को लिखा पत्र, कहा यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में लगाई जाए स्वर्गीय हेमचंद यादव की प्रतिमा। राजनीति से ऊपर उठकर अपने स्वभाव का परिचय देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने दुर्ग स्थित स्वर्गीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में पूर्व मंत्री एवं दुर्ग के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय हेमचंद यादव की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। यूनिवर्सिटी की प्रबंध समिति की बैठक के दौरान वोरा ने कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा से चर्चा करते हुए कहा कि स्वर्गीय हेमचंद यादव सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व के धनी एवं लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे। पूर्ववर्ती सरकार में उन्होंने मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए शहर की जनता की सेवा की। युवा पीढ़ी को उनके सामाजिक योगदान से परिचित करवाने एवं उनकी स्मृति को सहेज कर रखने पोटिया में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। वहीं इसी विषय को लेकर वोरा ने इस आशय से जिला प्रशासन एवं राज्य शासन को पत्र भी प्रेषित किया है। इस संबंध में न्यूज टीम को विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए भूमि पूजन किया था पोटिया में, और वो लगभग पूर्णता की ओर है और एक अच्छे लगभग 20 करोड़ से अधिक की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। हेमचंद यादव जी के नाम से इसका यूनिवर्सिटी है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर हेमचंद यादव जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। इसके लिए हमने कुलपति को और राज्य शासन को और जिला प्रशासन को इस आशय का पत्र प्रेषित किया है कि वहाँ पर जल्द से जल्द उसके निर्माण के साथ ही साथ प्रतिमा भी स्थापित कर दी जानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ सके कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने अपने जीवन काल में किस तरीके का कार्य किया है, और ताकि वह उनसे प्रेरणा ले सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।